हाय एवरीवन, वेलकम टू अमृतास किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक आम लिया है, इसे मैं छील लेती हूँ पहले और धो लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आम को छील के अच्छे से साफ कर लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये खट्टा आम है। इसके बाद मैंने गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हो, क्योंकि ये खट्टा आम है इसलिए हमें इसमें गुड़ डालना है। उसके बाद तड़के में डालने के लिए मैंने सरसों और जीरा लिया है, मेथी के दाने लिए हैं और लहसुन की कलियाँ ली है मैंने 10-12। और मसाले में आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक और धनिया। नमक स्वाद के अनुसार लेना है। और चलिए बनाते हैं आम की चटपटी चटनी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। इस पे मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ और अब इसमें मैं सरसों भी डाल देती हूँ। इसे हम तड़कने देते हैं। इसमें मेथी के दाने भी डाल देते हैं। इसे थोड़ा चला लेते हैं और तड़कने देते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से तड़क चुके हैं। अब इसमें लहसुन डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से चला लेते हैं। हमें इसे थोड़ा ब्राउन होने देना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने मसाले निकाले थे, मसाले डाल देते हैं सारे। इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो आम काट रखे थे, ये आम डाल देते हैं। इसे अच्छे से चला लेते हैं और इसे अच्छे से पका भी लेते हैं। हमें इसे अभी 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है, तो इसके लिए मैं अभी इसे ढक देती हूँ। अब हम इसे 5 मिनट बाद देखते हैं। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद हम इसे देखते हैं, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हमें इसे अच्छे से हिला लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल घुल चुके हैं आम हमारे। अब इसके अंदर हम गुड़ डाल देते हैं। आप गुड़ के जगह चीनी भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से मिल चुका है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि जो गुड़ डाला है वो अच्छे से पिघल जाए। बस 2 मिनट के लिए रखना है। आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद गुड़ पिघल चुका है और चटनी भी बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहे तो इसमें पानी डाल के इसे पतली भी बना सकते हो, पर मुझे गाढ़ी पसंद है। तो ये चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। तो हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आम की चटपटी और खट्टी मीठी चटनी ज़रूर बनाइए। मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।